welcome back to my YouTube channel Craft with Creation. And if you don't know me, मेरा नाम है आयुषी और मैं आज आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग यूनिकॉर्न DIY लेकर आपके पास. गाइस, आज मैं जिस DIY के साथ आई हूँ बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और जो बहुत एसेंशियल भी है, तो उसका नाम है बुकमार्क. तो आज हम जो बुकमार्क बनाएंगे वो दो तरीके है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे सेंटर बुकमार्क और दूसरा हम बनाएंगे कॉर्नर बुकमार्क. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले ये यूनिकॉर्न बुकमार्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कोई भी थिक शीट. मैंने यहाँ पे आइवरी शीट लिया है, आप कोई भी शीट ले सकते हो. और मैंने यहाँ पे लिया है प्लास्टिक वाला रिबन, आप चाहे तो सैटिन का रिबन भी ले सकते हैं या कोई भी थ्रेड भी ले सकते हैं, जैसे कि ये कॉटन थ्रेड. आपको चाहिए कुछ ग्लिटर शीट. अगर आपके पास ग्लिटर शीट डब्बे नहीं है तो आप कोई भी तरह का कलरफुल पेपर यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे यूज करी ग्लिटर शीट तीन कलर में, पिंक, येलो एंड ब्लू. मैंने यहाँ पे लिए कलरफुल टेप, दो कॉमन कलर के ब्लू एंड येलो अगेन, और कुछ बेसिक सप्लाई जो की है पेंसिल और हमारा इरेजर, फेविकॉल एंड सीजर. तो फर्स्ट बुकमार्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले कट करना है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर. तो हम इस आइवरी शीट से एक रेक्टेंगुलर पीस कट करेंगे, नो मैटर कि वो आपकी बुक की साइज का हो या नहीं. तो मैंने कट कर लिया है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर. अब हम इससे एरो कट करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे और उसको कट करेंगे. ये कट हो गया हमारा एरो. फिर हम गोल्डन ग्लिटर शीट से यूनिकॉर्न की हॉर्न बनाएंगे. तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया यूनिकॉर्न की हॉर्न. अब मैं इसको कट करूंगी. तो ये बन गई हमारी यूनिकॉर्न की हॉर्न और अब हम इसको स्टिक कर देंगे. अब हम अपने इन दोनों कलर्स से बनाएंगे फ्लावर्स, टू पिंक एंड वन ब्लू फ्लावर, और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे. तो एक आप फ्लावर ड्रॉ कर लीजिए अपनी शीट पे. तो ये हमने ड्रॉ कर ली है. अब हम इसको कट कर लेंगे. तो ये मैंने अपने फ्लावर्स कट कर लिए हैं. अब मैं इसको स्टिक करूंगी यहाँ पे. तो सबसे पहले कॉर्नर में मैं स्टिक करूंगी पिंक. लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि इसको पूरा मत कट करें, क्योंकि ये आधा हमारा एज बाहर है और फिर वो स्टिकी होगा, फिर वो एज स्टिकी होगा. तो इसलिए हम बस इतना कट करेंगे जितनी हमारी रो है. तो इसको हम मार्क कर लेंगे. और इतना पेपर हम कट करते हैं. पिंक फ्लावर्स कट कर लिए इसका मार्क लेकर के. और अगर आपके पास ये, क्योंकि मैंने इसलिए कट किए थे क्योंकि मेरे पास जो फ्लावर्स है, जो ग्लिटर शीट थी वो स्टिकॉन वाली थी. अगर आपके पास नॉर्मल ग्लिटर शीट हो विदाउट स्टिकॉन, तो आप डबल साइडेड टेप या फेविकॉल का यूज करके उसको स्टिक कर सकते हैं. तो अब मैं स्टिक करूंगी अपना फ्लावर, फर्स्ट फ्लावर. ये हो गया हमारा यूनिकॉर्न का अपर साइड तैयार. तो अब ये जो एक्स्ट्रा वाइड एज दिख रही है इसको मैं कट कर लूंगी. सो अब मैं यहाँ पे इसको, ये जो बीच का होता है हमारा फ्लावर का सर्कल, कट करके मैं इसको स्टिक कर लूंगी तीनों में. ये रेडी हो गया. अब हम बनाएंगे यूनिकॉर्न की आईज और हम इसको कर देंगे साइड से बॉर्डर. तो बॉर्डर के लिए हम यूज करेंगे येलो टेप, ये येलो टेप. तो हम इसको कर देते हैं बॉर्डर. अब हम इसकी हॉर्न पे ये ऐसे करके डिजाइन कर देंगे और हम बना लेंगे आईज यूनिकॉर्न की. अब आप यहाँ पे कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं और फिर मैं इसको करूंगी पंचिंग मशीन से पंच. और यहाँ पे मैं लगा दूंगी जो हमने वो लिया था अपना रिबन. तो
तो जैसा कि मैंने बोला था रिबन लगा, तो मैंने यहाँ पे पंच करके ये रिबन लगा दिया है और मैंने तीनों फ्लावर्स अटैच कर दी। ये हमारा फर्स्ट बुक मार्क रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे आईज बना दी और यहाँ पे मैंने कोटेशन लिख दिया, जस्ट वन मोर पेज। सो दिस इज अ मोटिवेशनल कोट व्हाइल यू आर रीडिंग। सो दूसरे तरह का जो हमारा बुक मार्क है, उसको बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लेंगे, पर हम उसको स्ट्रिप में नहीं काटेंगे, वो पूरा बिग साइज ऑफ पेपर होगा। तो हम इस पेपर को हाफ कर लेंगे और इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। अब जैसे कि हम बचपन में जो बोर्ड बनाते थे, सेम उसी प्रोसेस से अब हम ये वाला बुक मार्क बनाएंगे। तो हम कर लेंगे स्क्वायर से फोल्ड। अब इन स्टेप्स को फॉलो करिए मार्क बनाने के लिए। इसको हम इक्वली मेजर करके फोल्ड करेंगे। अब इसके एक कॉर्नर को हम कर देंगे ऐसे फोल्ड। तो ये बन गया हमारा कॉर्नर बुकमार्क। इसको अपने बुकमार्क कॉर्नर पे लगा लेंगे और इसको डेकोरेट करने के लिए अब हम बनाएंगे यूनिकॉर्न के फ्लावर्स। तो अब हम ग्लिटर शीट वाले फ्लावर्स नहीं लगाएंगे, अब हम जब तक यूनिकॉर्न की जो डेकोरेटिव ट्रिम्स होती है उनको डिजाइन कर लेते हैं। इतना बनाने के बाद ये मैंने रेडी कर ली है मेरी यूनिकॉर्न वाली ट्रिम्स, डेकोरेटिव ट्रिम्स। तो अब हम इस पे लगाएंगे स्टिकर, ऑपोजिट कलर के स्टिकर लगाएंगे। जो हमारा पिंक है उस पे हम लगाएंगे ब्लू, और जो ब्लू है उस पे हम लगाएंगे पिंक। तो ये बन गया हमारी यूनिकॉर्न फ्लावर्स। अब हम इसको, इन दोनों पैनल्स को आपस में स्टिक कर लेंगे। आप चाहे तो फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ हमारा डबल साइडेड टेप। ये हमने स्टिक कर दिया हमारा यूनिकॉर्न की ट्रिम्स। अब हम बना लेंगे इसकी आईज। तो ये बन गया हमारा यूनिकॉर्न कॉर्नर बुकमार्क। सो गाइस, आज हमने बनाया है क्यूट क्यूट यूनिकॉर्न डीआईवाई बुकमार्क। तो आप ऐसे कई सारे थीम से बुकमार्क बना सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे DM भी कर सकते हैं किसी भी कंफ्यूजन के लिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है @craftwoodcreation2018। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल।